दिस असल गाइडिंग चैप्टर नंबर फोर्टी पार्ट थ्री इसमें हमने पढ़ना है बेसिकली लेयर्स ऑफ रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन अच्छा रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन होती है रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन वो ममब्रेन है कलेक्टिवली के जिसमें हमारे पास एलवियोलस की मेमब्रेन आ जाती है और कैपिलरी की ब्लड वेसल कैपिलरी की मेम्ब्रेन आ जाती है ठीक है यानी कि ये वो मेम्ब्रेन है जिसे क्रॉस करके ऑक्सीजन ने एलव्यूलाई से ब्लड के अंदर जाना है ठीक है सो दिस इज एलव्यूलाई ये गोल सी एलव्यूलाई बनी हुई है एंड दिस इज ब्लड वेसल और ये ब्लड वेसल के अंदर आर है और आर के अंदर एच है अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पड़ी हुई है अब ऑक्सीजन ने ये पूरी रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ट्रेवल करके ये आर के अंदर जो एच है उसके पास जाके उसमें जाके बा ठीक है तो इस पूरी मेम्ब्रेन को हम रेस्पायरेटरी मेमब्रेन कहते हैं जो कि बेसिकली यहाँ से एलबीएल की मेम्ब्रेन और यहां से जो ब्लड वेसल की जो कैपलरी है कैपलरी की मेम्ब्रेन इन दोनों की कलेक्टिवली मिल के बनती है ठीक है अब अगर हम यहां से शुरू करें और और देखें कि एग्जैक्टली लेयर्स ऑफ रेस्पायरेटरी मेब्रेन कौन सी आती हैं तो जारी बात है सबसे पहले लेयर्स ऑफ एलवई आएंगी फिर लेयर्स ऑफ कैपलरी आ जाएंगी अब उसमें लेयर्स में एक्जैक्टली exactly कौन सी लेयर्स हैं यार अगर हम अंदर वाली साइड से शुरू करें यहां से एलविई से तो सबसे पहले तो एलविई के अंदर यहां पर आप देखें देंगे तो एक फ्लोइड और सरफेक्टेंट की लेयर है कलर में जो मैंने बनाई ये फ्लोइड और सरफेक्टेंट की लेयर है जब सबसे पहले और सरफेक्टेंट की लेयर आएगी ये नंबर वन पे उसके बाद हमारे पास ये एलवियोलाई के एपिथेलियल सेल्स आ जाएंगे तो सबसे पहले फ्लोइड और सरफेक्टेंट की लेयर है फिर एल्वियोलाई के एपिथेलियल सेल्स हैं और उसके बाद ये एपिथीलियल सेल्स की ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ठीक है तो ये तो एल्वियोलाई के पार्ट हो गए यानी कि बेसिकली एलि एपिथीलियम है में सेंटर में एक साइड पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और अंदर वाली साइड पर फ्लोइड और सर्फेडेंड है ठीक है अच्छा फिर बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे इससे पहले कैपलेरिया बीच में ये इंटरस्टिशियल स्पेस है ये इंटरस्टिशियल स्पेस और फिर इंटरस्टिशियल स्पेस है। फिर हम ये कैपिलरी शुरू हो जाती है उसकी वॉल तो जाहिर बात है सबसे बाहर वाली साइड पे बेसमेंट मेमब्रेन होती है जिस तरह इसमें बाहर वाली साइड पर ग्रीन कलर में बेसमेंट होती है उसमें यह पिंक कलर की बेसमेंट मेम्रेन बनेंगे और फिर ये अंदर वाली साइड पर इसके कैपिलरी की एपिथेलियल मेम्ब्रेन ठीक है तो अगर हम देखें तो ये ग्रीन में बेसिकली बनाया मैंने एल्वियोलाई के पार्ट्स ये पिंक में है जो कैपिलरी के और ये है इंडस्ट्रीशल स्पेस इनके बीच में तो अंदर से बाहर की तरफ मूव करना सबसे पहले और फ्लोइडेंट क्लियर आती है फिर एपिथीलियम है फिर एपिथीलियल बेस में बेसमेंट मेम्ब्रेन है अगर हम इधर जाएं तो कैपिलरी उसमें उसमें भी पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है फिर अंदर एपिथीलियम आती है इसमें भी देखें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है एपी एपिथीलियम है और इनके बीच में इंडस्ट्रीशियल स्पेस है तो ये इस तरह की अगर क्वेश्चन आई है तो ये सिक्स लेयर्स होती हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की अगर इसकी थिकनेस हम डिस्कस करें तो कितनी थिकनेस है इसकी पॉइंट टू ये कोलेक्टिवली सारी यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट टू माइक्रोमीटर्स है और सरफेस एरिया इसका कितना जाता है सारी का अगर हम लेते हैं तो सेवेंटी स्क्वेयर मीटर सेवनटी स्क्वेयर मीटर अब देखो एक मीटर कितना होता है एक मीटर का बॉक्स कितना होता है सेवेंटी स्क्वेयर मीटर बहुत ज्यादा बन जाता है ठीक है तो अगर हम तमाम जो लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसको हम ऐसे खोल के रख दें फ्लैट तो ये सेवेंटी स्क्वेयर मीटर बनेगा ठीक है तो ये लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। देन मूविंग टूवर्ड्स के वट इज अ रेस्पायरेटरी यूनिट रेस्पायरेटरी यूनिट वो तमाम पार्ट्स इन द लंग्स हैं जहां से गैस एक्सचेंज जिनकी मेम्ब्रेन से गैस एक्सचेंज हो सकती है तो आप कहेंगे वो तो सिर्फ एलवी है नहीं वो एलवी नहीं है वो एलवी के अलावा एलवियल डक, डक्ट्स में से भी एक्सचेंज हो सकती है वो इवन फाइनली जो सबसे एंड पे रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं ना वो उनसे भी हो सकती है तो ये वो तमाम चीज़ें बनी तो उस रेस्पायरेटरी यूनिट में या रेस, उस रेस्परेटरी यूनिट को हम रेस्पायरेटरी लोब्यूल भी कहते हैं तो चार चीज़ें आती हैं इसमें एक रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, फिर डक्ट, फिर एट्रिया फिर एलव्यूलाई अब इसमें चलें जबरदस्त अब हाँ आप कहेंगे जी एलवियोल डक्ट कौन सी है वो डक्ट जो एलवियोलाई तक आ रही है ये पिंक वाली डकट ये देखें ये दो ये एल्वियोलर डक हो गए अब ब्रोंकियोल कौन से होता है वो भी आपको पता है आखिरी होता है आ, वो हो गया यानी कि जो जाके एल्वियोलर डक्ट के अंदर खोलेगा तो ये हमारे पास आ गया है रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल ये आगे जा डिवाइड होता है एल्वियोलर डक्ट्स में और एलवियोलर डक्ट्स आगे जाके एलवियोलाई के अंदर खुल जाती है अब इंटरेस्टिंग ऐसा पॉइंट है कि व्हाट इज एट्रिया तो अगर आप देखेंगे ये जो एल्वियोलर डक्ट आ रही है और एलवियोलर डक्ट आगे जाके एल्वियुलाई के अंदर कन्वर्ट जब होती है तो उनके बीच में जो

तो आपको शुरू में याद है ना पहले पहला पार्ट में हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग गैस डिफ्यूजन पढ़े थे ये वाले फैक्टर्स तो ये वही वाले हैं ठीक है लेट सी एक तो हमने डिस्कस अब फैक्टर्स इफेक्टिंग गैस डिफ्यूजन में तो हमने जनरली गैस डिफ्यूजन डिस्कस की थी ना कि किसी भी गैस ने किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है अब हम ये बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली यहां पे विद रेफरेंस टू रेस्पायरेटरी मेम्रेन यानी कि फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन थ्रू रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है और हर फैक्टर को हम फिर आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉजेज हैं जो इन फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट फैक्टर दैट इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो यहां पे हमने बात डिस्कस की थी ना कि डिस्टेंस ये डी डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन एक जगह से दूसरी जगह तो इसमें वही डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन कितना होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के केस में जब एक गैस ने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होता है यहां से यहां होता है तो ये यह डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है और वो डिस्टेंस कितना है जितनी ही रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस है उतना ही तो डिस्टेंस है ठीक हो गया तो अब नंबर वन इस थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा होगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगा और रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा अब भाई ऐसी कौन सी बीमारियाँ या कौन से कॉज हैं जिनके अंदर ये रेस्पायरेटरी मेमब्रेन का जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है या डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो है जनाब एडिमा में या फाइब्रोसिस में अगर यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगा तो ये थिक ज्यादा थिक हो जाएगी और डिस्टेंस बढ़ जाएगा और डिफ्यून कम हो जाएगी या अगर यहाँ पे एडिमा हो जाएगा इंटस्टिशल स्पेस में या फ्लोइड आ जाएगा तो इन दैट केस भी थिकनेस बढ़ जाएगी और डिफ्यून कम हो जाएगी अच्छा दूसरा पॉइंट है सर्फेस एरिया हमने वहां भी डिस्कस किया था सर्फेस एरिया तो वो आगे सर्फेस एरिया ऑफ मेमब्रेन अब सर्फेस एरिया ऑफ मेब्रेन की ऐसी कौन सी सर्फेस एरिया ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी सर्फेस एरिया कम होगा तो डिफ्यूजन कम होगी अब ऐसी कोई क्लिनिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर सरफेस एरिया कम हो जाता है तो यस बिल्कुल एम में सरफेस एरिया कम हो जाता है और जब सरफेस एरिया कम होता है, हो है तो डिफ्यूजन कम हो जाती है अब एम में क्या है एक रिस्ट्रिक्ट एक ऑब्स्ट्रक्टिव लाख दीजिएगा है। फाइसी में क्या हो ये है ये है। होता है ये एलव्यूलाई है ना ये एलव्यूलाइए किस तरह सरफेस एरिया कम होता है यह एल्व्यूलाइए अब एम के अंदर ये जो दो एलव्यूलाई के बीच में ये जो सेप्टा बना हुआ है ना यह सेप्टा यह खत्म हो जाएगा और ये ऐसे की बजाय दो एल्वियई है ये ऐसे हो जाएंगी ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएंगी अब बताओ ये सरफेस एरिया ज़्यादा है या ये सरफेस एरिया ज़्यादा आप कहोगे कि ये तो एक जितना है मगर एक जितना नहीं है ये अगर हम यूं करते हैं तो पूरा सरफेस एरिया कितना है ये सारा और फिर ये सारा सरफेस एरिया में आ जाता है अगर हम इसको ये सेप्टा को ख़त्म कर दें तो वॉल्यूम तो तकरीबन उतना ही रहेगा मगर सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएगा और ये देखें ये सरफेस एरिया दोबारा नॉर्मल हो गया तो एम्फासीमा में इस तरह सर्फेस एरिया कम हो जाता है अच्छा फिर पार्शल इसके बाद डिफ्यूजन कैशन बात करते हैं पार्शल प्रेशर डिफरेंस सारी बात है अगर यहां से यहां पे जानी है पार्शल प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी आसानी से गैस डिफ्यूज कर जाएगी ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ठीक है लास्ट पॉइंट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ गैस है ये क्या बात हुई बड़ी डिफ्यूजन कोफिशेंट तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता क्या है डिफ्यूजन क्वेश्चन ऑफ गैस गैस का करेक्टरिस्टिक है ये तो डिफ्यूजन को में दो चीज़ें आ जाती हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड वेट ऑफ गैस जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस की थी सॉलीबिलिटी ऑफ गैस एंड वेट ऑफ गैसिबिलिटी एंड मोलैक्लोवेट ये गैस के अपने करेक्टरिस्टिक हैं तो भाई डिफ्यूजन को जितनी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी उतना डिफ्यूजन को ज्यादा होगा जितना वेट ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन को कम हो जा होगा और जितना डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ज्यादा है उतना ही गैस ज्यादा डिफ्यूज कर रही है एग्जांपल इसमें है कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्वेंटी टाइम्स ग्रेटर द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन वाई 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 बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्वेंटी टाइम्स मोर सॉल देन ऑक्सीजन ठीक हो गया